Hello and very good morning to Sampurna students. Today we are going to do computer subject of class 4. This is chapter number 2 and the chapter's name is Memory and Storage. Memory and Storage. Man has got a wonderful gift from God, the ability to think. हमारे अंदर जो man होते हैं, man जो है हम, मैन के अंदर क्या क्वालिटी होती है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी होती है, हम सोच सकते हैं, हमारे अंदर थिंकिंग की कैपेसिटी है, मतलब हम हर चीज़ को सोच सकते हैं. दो अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन. कंप्यूटर भी है जो कि खुद नहीं सोच सकता कोई चीज़, येट इट हैज सुपरसेडेड मैन बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी. क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है स्टोरेज की, इसलिए इसको भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी इसके अंदर भी थिंकिंग की एबिलिटी है. थिंकिंग क्यों, इसको डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि हाँ ये थिंक करता है फिर हमें आंसर देता है बताता है. इट जस्ट वर्क विद द हेल्प ऑफ अस. हम इसमें कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं और ये इमिडिएटली उसका आंसर देता है. और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और डेटा इसमें, इंफॉर्मेशन जो है इसमें स्टोर होती हैं, इसलिए हम कंप्यूटर को मैन से कंपेयर कर सकते हैं. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स थ्रू इनपुट यूनिट्स एंड स्टोर्स इट इन इट्स मेमोरीज. अपनी मेमोरी में जो हमने पढ़ा है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, तो ये मेमोरी यूनिट में कंट्रोल कर सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है. जस्ट लाइक आर ब्रेन, आर द कंप्यूटर ऑल्सो यूजेज बोथ शॉर्ट मेथड एंड लॉन्ग मेथड, मतलब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी टू स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन. हाउएवर वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स ओवर टाइम, बट कंप्यूटर कैन रिटेन द स्टोर्ड डेटा फॉर ईयर्स टूगेदर. हम भूल भी जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारा ब्रेन स्टोर नहीं कर पाता, उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं. बट कंप्यूटर में क्या है, वो बहुत पुरानी से पुरानी चीज़ों को भी, बहुत ईयर्स एंड ईयर्स वो चीज़ों को भी स्टोर करके रखता है. स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है. ओके, देन दिस डाटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेन नीडेड. और जब भी हमको ये रिक्वायर्ड होती है, जब भी हमें लगता है कि हमें किसी इंफॉर्मेशन या डेटा की नीड है, उस वक्त हम कंप्यूटर्स मेमोरी से ये चीज़ें निकाल लेते हैं. और इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर्स मेमोरी बेस्ट होती है, उसमें बहुत सारे डेटा और इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर पाते हैं. बिट्स एंड बाइट्स. अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स. हम जो इंग्लिश में लिखते हैं कंप्यूटर पे, मैथमेटिकल वे में लिखते हैं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है. कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में उसको पहले कन्वर्ट करता है, सीपीयू के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को समझ के हमें आंसर देता है हमारी लैंग्वेज में. सो कंप्यूटर का आंसर है ओनली टू स्टेट्स. वो सिर्फ दो चीज़ समझता है, ऑन एंड ऑफ. ऑन रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो. ऑन को हम वन कह सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है वन से, और ऑफ को हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. दीज टू डिजिट्स जीरोज एंड वंस आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. इसको हम बाइनरी डिजिट या बिट्स कह सकते हैं. द अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स. और जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, उसे हम बाइट्स में मेजर करते हैं. मीन्स 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट. लाइक दिस ये मेजरमेंट है, मेमोरी साइज है कि इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है. एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी. हर कंप्यूटर की अलग अलग मेमोरी कैपेसिटी जो होती है वो होती है. इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर कैन रन एट अ टाइम एंड हाउ फास्ट दीज प्रोग्राम्स विल वर्क. अब कंप्यूटर के पास अपनी अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, वो कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स उसके अंदर हो सकते हैं, कितने प्रोग्राम्स को रन करा सकता है और कितना फास्ट वो प्रोग्राम को रन करा सकता है, ये सारी डिटेल हमें इनके अकॉर्डिंग ही, इनके मेमोरी की हेल्प से ही पता चलती है. द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑफ टू टाइप्स. मेमोरी जो है कंप्यूटर का है, उसके टू टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी. लेट्स रीड अबाउट द इंटरनल मेमोरी फर्स्ट.
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। इट इज द बिल्ट इन मेमोरी जो अंदर होती है, मतलब पहले से ही उसमें फीड किया जाता है, उतनी मेमोरी पर्टिकुलर कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि डाटा स्टोर, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर हो सके जब कंप्यूटर वर्क कर रहा है। द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब कंप्यूटर हम ऑफ करते हैं तो इंटरनल मेमोरी का जितना भी डेटा रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इरेज हो जाता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू एक्सेस डेटा और प्रोग्राम्स फ्रॉम अ इंटरनल मेमोरी एज इट इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, जो इंटरनल मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी है ये टू टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज रैम एंड रोम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। लेट्स रीड अबाउट रैम। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पररीली, इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेम्पररीली स्टोर होती है एंड वर्क्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह वर्क करती है। हम इस पर कुछ डेटा लिखते हैं, है ना, विच कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विथ न्यू डेटा। हम जैसे बोर्ड पे लिखते हैं, इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर इरेज करते हैं, सिमिलरली रैम वर्क करता है। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन टेम्पररीली स्टोर करता है। हम ब्लैक बोर्ड की तरह इस पर से डेटा हटा सकते हैं, अगेन दूसरा डेटा ला सकते हैं, ओवर राइटिंग इस पर हो सकती है, ओवर रिटन होता है ये। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम दैट इज इन द मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। और जब हम कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं तो ये सारी मेमोरी या पावर चला जाता है, तो उस वक्त ये सारा डेटा इरेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में लोड हुआ रहता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। इवन एनी सॉफ्टवेयर दैट वी रन इज ऑल्सो लोडेड इनटू रैम। कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम रन करा रहे हैं वो रैम में ही लोड हुआ जा होता है। इट मीन्स दैट अ कंप्यूटर विथ मोर रैम विल वर्क मोर फास्टर, मतलब विल वर्क फास्टर दैन अ कंप्यूटर विथ लेसर रैम। मीन्स कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो रैम में लोड होता है, इस वजह से रैम अगर ज़्यादा है तो आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा, अगर रैम कम है तो आपका कंप्यूटर स्लो रन करेगा। जस्ट लाइक आप एक कैलकुलेटर की बात ले लीजिए, कैलकुलेटर तब तक उस पर इंफॉर्मेशन रहती है जब तक कैलकुलेटर ऑन रहता है, जैसे ही कैलकुलेटर ऑफ करते हैं सारा डेटा डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। वापस जब हम कैलकुलेटर ऑन करते हैं तो वो डाटा वहाँ पर डेटा नहीं रहता। रीड ओनली मेमोरी, इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज। क्या है ये? इसके अंदर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर रेडी हो जाता है यूज के लिए। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट चेक द प्रॉपर वर्किंग। अब रॉम की हेल्प से कंप्यूटर की प्रॉपर वर्किंग चेक की जाती है ऑफ ऑल कंप्यूटर पार्ट्स, सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं जब हम कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं तो। The instructions stored in ROM cannot be changed. जो ROM में instructions डाल दिए गए इसको change नहीं किया सकता। जैसे RAM में हम overwriting कर सकते हैं, overwritten with new data उस पर लिख सकते हैं, but ROM में जो एक बार हमने store कर दिया instruction वो change नहीं हो सकता, but are not lost। हाँ, लेकिन होता भी नहीं है when the computer is switched off। जब हम computer को off करते हैं तो वो चीज़ें, वो जो stored instructions होते हैं वो डिसअपियर नहीं होते। रोम को हम एक तरह से ऑडियो डिस्क कह सकते हैं, विच कैन बी प्लेड, इसको हम बजा सकते हैं, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन इट एक्सेप्ट इन अ फ्यू सिलेक्टेड सर्कमस्टांसेस। हम इस पर कोई चीज़ सुन सकते हैं, कोई रिकॉर्डेड चीज़ें सुन सकते हैं, बट रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस पर कोई भी चीज़, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर ही हम इसको कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, हमने इंटरनल मेमोरी पढ़ ली, RAM and ROM, अब हम एक्सटर्नल मेमोरी पढ़ेंगे। इट इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर टाइम। एक्सटर्नल मेमोरी में कोई भी चीज़, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। डेटा इज नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर को हम ऑफ कर देते हैं फिर भी उसके डेटा को कोई नहीं इरेज कर सकता, वो डेटा लॉस्ट नहीं होता। The external memory is essential because the internal memory of a computer is less. जो internal storage होती है computer की वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए हमें external memory
important mRNA. It is also called the secondary memory और external memory को हम secondary memory भी कहते हैं. Internal memory को हम primary और या main memory कहते हैं और external memory को हम secondary memory कहते हैं. Storage devices, कौन कौन से storage devices होते हैं computer के अंदर जहाँ कोई भी चीज़ हम store कर सकते हैं computer की help से. स्टोर करना मतलब कोई चीज़ इकट्ठा करना, यानी कि एबिलिटी टू होल्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, वो हमें कंप्यूटर से मिलती है या कंप्यूटर को हम देते हैं. तो कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा घर पे आप देख लीजिए, हम घर पे कई चीज़ें बैग में, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए हम बुक्स कॉपीज कहाँ स्टोर करते हैं, अपने बैग के अंदर. फ्रिज के अंदर हम अपने फूड मटेरियल्स जो बना दिया हमने, जो हमारी सब्जियाँ हैं, वेजीज हैं, उसको हम फ्रिज में स्टोर करते हैं. वैसे ही कंप्यूटर का भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं. लेट्स सी, व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इट इज कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू द इंटरनल मेमोरी. सेकेंडरी स्टोरेज से सारी चीजें कॉपी होके इंटरनल मेमोरी में जाती हैं. जब हम कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन कर रहे होते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज से वो सारी चीज़ें इंटरनल मेमोरी तक जाती हैं. इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एज कम्पेयर टू द इंटरनल मेमोरी. अब यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी डेटा एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू इंटरनल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी से कम टाइम लगता है और सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी डेटा लेने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है. इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी. पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस, कौन कौन से पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो हम कहीं भी ले आ सकते हैं. जैसे हार्ड डिस्क है, CD है, स्टोरेज डिवाइसेस है ना, इसमें हम पिक्चर्स, मूवीज या सॉन्ग्स कुछ भी स्टोर करते हैं. दीज आर स्टोरेज डिवाइसेस. DVD, Blu-ray disc, flash drive, multimedia card, ये सारे storage devices होते हैं. Let's read about it. It is a main storage medium for computers. A hard disk stores information on a hard disk. It is fixed inside the CPU. CPU के अंदर इसको fix किया जाता है hard disk को. It can hold large amount of data. Hard disk के अंदर हम बहुत सारे data को store कर सकते हैं. हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ, और हार्ड डिस्क जो होता है मल्टीपल डिस्क से बना होता है. ये आप हार्ड डिस्क देख रहे हैं, ये मल्टीपल डिस्क से बना हुआ है जो कि प्लेटर्स हैं. ठीक है, विच आर फर्दर मेड अप ऑफ हार्ड प्लेटर्स ऑफ मेटल, जो कि बहुत ही हार्ड प्लेटर्स ऑफ मेटल के बने हुए होते हैं. और सॉरी, डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिस्क, और डेटा जो है इसमें दोनों तरफ, डिस्क के दोनों तरफ रिकॉर्ड किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है. Nowadays hard disks can store up to 2 TB or 2-5 TB of data. TB means terabyte. ठीक है, तो 2 TB से लेके 3-5 TB तक हम इस पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं. CD stands for compact disk. It is an optical storage media. ये आप सभी जानते हो, CDs, DVDs सब ने देख रखा है. इट इज़ अ थिन सर्कुलर डिस्क विद अ रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग. इसके ऊपर रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग है, इसलिए शाइन करता है ना. अ CD कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा एंड मेजर्स 4.7 inches इन डायमीटर. इसकी डायमीटर आपने मैथ्स पढ़ा ही है, इसकी जो डायमीटर होती है वो 4.7 inches होती है. और CD कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेस एंड वीडियोज. It can be used for data backup and holding software. To access data from a CD, we need to place it in the CD drive. इसको हमें CD drive के अंदर डालना होता है जब भी हमें CD से कोई data लेना होता है. Which is located in the front panel of the CPU box. CPU box के बिल्कुल front side में आप CD के लिए जगह देखेंगे, जो CD drive कहलाता है. वो CD drive वहाँ होता है, उसके अंदर हम CD insert करते हैं कोई भी data लेने के लिए. DVD stands for Digital Versatile Disc or Digital Video Disc. It is an optical storage device used for data storage and for recording movies with high video and sound quality. इसकी sound quality और video बहुत ही अच्छा होता है, इसका high video होता है. DVD is similar to a CD. CD और DVD दोनों similar है shape और size में, but DVD में huge amount of information store किया जा सकता है, मतलब CD से भी ज़्यादा information हम DVD में स्टोर कर सकते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी वैरीज फ्रॉम 4.1 GB टू 17 GB.
Blu-ray disc. Now another storage device is Blu-ray disc. It is a new optical disc format which is rapidly replacing DVD. It offers more than 5 times the storage capacity of traditional DVDs and can store up to 25 GB on its single side and 50 GB on its dual sides. Imagine करो कि इतना ज़्यादा storage है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम store कर सकते हैं. That is Blu-ray disc. DVD से ज़्यादा storing capacity होती है, मतलब इसके एक side में अगर हम 50 GB store कर सकते हैं, तो दूसरी side में भी 50 GB store कर सकते हैं. मतलब total अगर हम देखें dual sides से, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा GB store कर सकते हैं. तो वन साइड में इसका 25 हो गया, अदर साइड में 25 हो गया, तो टोटल हम इसमें डुअल साइड्स में इसके 50 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं. मींस बहुत ज़्यादा है, 5 टाइम्स मोर है. यहाँ पे इसके 4.1 GB टू 17 GB है ना, सिर्फ यहाँ पे 50 GB तक स्टोर कर सकते हैं. तो दिस डिस्क हैज़ द सेम डायमेंशन, सब डायमेंशन वगैरह सब सेम होता है, DVD और CD की तरह ही होता है. इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवी डेटा. ये इन कामों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो हाई क्वालिटी साउंड या गेम्स या मूवी डेटा होते हैं इसमें स्टोर किए जाते हैं. दिस डिस्क हैज़ डिराइव्ड इट्स नेम ब्लूरे डिस्क फ्रॉम द ब्लू वायलेट रे लेज़र विच इज़ यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा ऑन दिस टाइप ऑफ डिस्क. इसका नाम ब्लूरे डिस्क इसलिए रखा गया है क्योंकि ब्लू वायलेट लेज़र यूज़ किया जाता है इसके डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए. फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज द पेन ड्राइव. इट हैज़ रिप्लेस द फ्लॉपी ड्राइव एंड हैज़ इमर्ज एज द मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइस. इट इज़ द प्लग, छोटा सा प्लग जैसा होता है, सभी जानते हैं. आई थिंक यू नो द फ्लैश ड्राइव, व्हाट इज फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव. एक प्लग जैसा होता है बिल्कुल. इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस एंड इज ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव. इसको हम USB फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर कॉपिंग, या हम इसमें से कोई चीज़ मतलब कुछ भी कॉपी करने के लिए भी काम में आता है, या फिर कोई भी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए भी हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं. इट इज़ अ स्मॉल लाइट वेट रिमूवेबल एंड रीराइटेबल ड्राइव. मतलब रीराइटेबल मतलब इसके सारे डेटा को हटा के हम नया डेटा इसमें डाल सकते हैं. अ फ्लैश डिस्क कैन स्टोर अप टू 1 TB ऑफ डेटा. इसमें 1 TB ऑफ डेटा टेराबाइट डेटा का यूज किया जाता है, स्टोर किया सकता है. एंड इज फर्दर प्लान टू हैव इट्स कैपेसिटी टू, अभी फर्दर प्लान हो रहा है कि 2 TB तक इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए. फ्लैश ड्राइव्स आर फास्ट, बहुत फास्ट होते हैं ये और बहुत ही ईजिली डेटा होल्ड करते हैं और मोर रिलायबल होते हैं. मल्टी मीडिया कार्ड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मोबाइल फोन में मल्टी मीडिया कार्ड लगाए जाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे. It is a storage media designed for portable devices like mobiles and digital cameras in a form that can easily be removed for access by a computer. मतलब ये चिप हम यूज़ कर लेते हैं इस कार्ड को कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए. A multimedia card reader is used to insert the card and connect it to the computer. कंप्यूटर में डालने के लिए through a USB cable. USB cable की हेल्प से हम सारा डेटा कंप्यूटर में मोबाइल से निकाल सकते हैं. मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स कम विद इनबिल्ट कार्ड रीडर्स, और बहुत सारे लैपटॉप्स आ रहे हैं जिनमें ये मल्टीमीडिया कार्ड ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, मतलब ऑलरेडी रहता है, इसमें इंसर्ट किया जाता है. मल्टीमीडिया कार्ड इन अ डिजिटल कैमरा और मोबाइल, द मल्टीमीडिया कार्ड इज स्मॉल इन साइज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ अ पोस्टल स्टैम्प. पोस्टल स्टैम्प की साइज होती है मल्टीमीडिया कार्ड की. Multimedia cards are available in various sizes. अलग अलग sizes में मिलती हैं, अलग अलग storage capacities भी होती हैं, ranging up to 512 GB. 512 GB तक इसकी storage capacity हो सकती है. Okay. So this is all about the chapter. Now let's switch on to the exercises. This is all about the exercise. यहाँ पे आपको hints दिए हुए हैं. Number 2 में यहाँ पे space कम थी, तो I have written here. This is number 2. You have to write here Blu-ray disc. This is all answers. These are all true false. Exercise A, exercise B and exercise C you have to do in your book itself. आप इसको book में complete करेंगे as it is. Exercise D, that is question answers 1, 2, 3 and 4.
Here in the chapter, I have given the answers. Here, answer number 4 में क्या है? Answer number 4 में आपको storage device लिखना है. Firstly, कि storage device क्या होता है? तो storage means ability to store, hold data and information. After that, आपको portable devices के names लिखने हैं. तो आप ये लिख सकते हैं CD, इसलिए मैंने 4 number भी डाल दिया है. CD, DVD, flash drive. 3 देने हैं, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया. या आप कुछ और भी ले सकते हैं, हार्ड डिस्क यू कैन राइट ब्लूरे डिस्क, यू कैन राइट मल्टीमीडिया कार्ड, विच एवर यू लाइक यू कैन राइट. ओके, नाउ दिस इज आंसर नंबर 3. हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहा है, तो यू कैन राइट दिस आंसर टिल डेटा. आंसर नंबर 2, एक्चुअली इन आंसर नंबर 2 आपको रैम एंड रोम में डिफरेंसेस बताने हैं, 2 डिफरेंसेस देने हैं. तो नंबर 1 आप रैम लिखेंगे, नंबर 1, 2 ऐसे आप जैसे डिफरेंसेस लिखते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करके इधर रैम लिख लेंगे और इधर रोम लिख लेंगे. ठीक है, आप यहाँ पे इस चीज को लिख लेंगे. उसके बाद नंबर 1 पॉइंट डाल के आप रैम के नीचे ये नंबर 1st पॉइंट डालेंगे डेटा तक. आफ्टर दैट रोम के नीचे आप ये 1st पॉइंट कंप्यूटर तक मेंशन करेंगे. ऑल्सो आप यहाँ से कट कर देंगे और इस जगह से मेमोरी कट करके रैम लिख देंगे. फिर उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट, इधर आप सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्टली आप रैम में लिखेंगे द इंफॉर्मेशन से लेके कंप्यूटर तक, और रोम में सेकेंड पॉइंट द इंस्ट्रक्शन से स्विच ऑफ तक. दिस इज योर आंसर नंबर 2 एंड दिस इज योर आंसर नंबर 1, एवरी कंप्यूटर से लेके एक्सटर्नल मेमोरी तक. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.